ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जो आपकी है, ठीक है, इस क्लास में हम इस सीरीज़ में, इस 3-4 दिन की क्लासेस में हम आपको रीडिंग जब आप करते हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई मज़मून पढ़ रहे हैं, कोई सबक पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हैं आप, इंटरनेट पे बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं, तो जब आप रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ने के दौरान आपको अगर आप 9 बातों का ख्याल रखेंगे, सही है, तो आप उस टेक्स्ट से, उस चीज़ से ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। और अगर आप इन 9 बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप सरसरी पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ गए ऊपर से, दर दर पढ़ा, वो पढ़ के बोला भाई पढ़ लिया पूरा। तो पढ़ने का मतलब क्या है, उससे आपको हासिल क्या करना है, ये आपको इन 4-5 क्लासेस में, जितनी भी क्लासेस में हो पाए, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो 9 बातों का ख्याल आपको रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहली बात की, ठीक है। तो पहली बात ये है, इसको हम कहते हैं जुमले की साख्त। ठीक है, पहली बात क्या है, जुमले की साख्त। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जो जुमला है इसकी साख्त क्या है, या इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। पहली बात तो जुमला क्या होता है, अल्फाज का जो मजमुआ है उसे आप क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं, सही, अल्फाज का मजमुआ। अच्छा, वो अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मीनिंगफुल हो। वैसे अल्फाज तो ये भी हैं, राशिद, अक्लमंद, ठेला है, ये भी अल्फाज हैं, ये भी इसका मजमुआ है, जुमला है, लेकिन ये जुमला नहीं है। जुमला क्यों नहीं है, इसका सेंस नहीं बन रहा। बन रहा है सेंस, राशिद, अक्लमंद, ठेला है, सेंस नहीं बन रहा, तो ये जुमला नहीं है, ठीक है। जुमले के लिए क्या ज़रूरी है, कि जो बात कही जा रही हो उसका सेंस डेवलप हो रहा हो, उससे कोई मायने निकल रहे हो, ठीक है, उसका कोई मफहूम आपके सामने आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, जुमला आपके पास छोटा भी होता है और जुमला आपके पास बड़ा भी होता है, और वो सब का सब लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अच्छा, हर लफ्ज़ के मायने भी आपको पता होने चाहिए। जुमले को समझने के लिए क्या ज़रूरी है, कि वो जिन लफ्ज़ों से मिलकर बना है उन लफ्ज़ों के मायने आपको पता हो, सही है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जुमला लिख रहा हूँ, आप की बात इंतहाई महमल है, अभी एक जुमला है, आपकी बात इंतहाई महमल है। अब इस जुमले में हर बात समझ में आ रही है, लेकिन ये जो लफ्ज़ है महमल, ये आपको पता नहीं चल रहा क्या बोलना चाह रहा है, ऐसा ही है। तो अब आपका जब तक ये लफ्ज़ क्लियर नहीं होगा आपको, जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, तो जब आप कोई ऐसा जुमला पढ़ें जो अपना मफहूम आपको नहीं दे पाए किसी एक लफ्ज़ की वजह से, तो आपको सबसे पहले उस लफ्ज़ पर अटकना है, भाई ये लफ्ज़ क्या है, इसके क्या मायने हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है। अब यहाँ महमल से मुराद ये है, ऐसी बात जो गोलमोल हो, जो समझ में ना आने वाली हो,
ठीक है, पूरी बात वाजे नहीं हो रही, ये खुद जुमला ही एक महमल जुमला हो गया, लफ्ज भी महमल है और जुमला भी क्या हो गया, क्योंकि इससे कोई बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जुमले की साख्त, और जुमले की साख्त के लिए लफ्ज़ क्या था, जुमला। जुमला क्या होता है, अल्फाज का मीनिंगफुल मजमुआ, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसकी कोई मीनिंग हो, जिससे कोई मायने निकल रहे हो। ठीक है, जब आप जुमले को गौर से पढ़ते हैं तो आपको उस जुमले की समझ उस वक्त आती है जब उस जुमले में मौजूद हर लफ्ज़ का मफहूम आपको पता हो। अगर आपको मफहूम नहीं पता तो फिर आप वो जुमले की नहीं समझ पाएंगे, इसमें बात क्या कही जा रही है। ठीक है, याद रखें ये जो बात है ना कि आप जुमला पढ़ते हैं और जुमला पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहा है, इसमें जुमला जो है वो अपना अंदर एक ख्याल रखता है। हर जुमला अपने अंदर क्या रखता है, एक ख्याल रखता है। ये ख्याल उस जुमले में किसने डाला होता है, मुसन्निफ़ ने डाला होता है, जिसने जुमला लिखा होता है उसने उस जुमले में ख्याल डाला होता है, और वो उन अपने उस ख्याल को उन लफ्ज़ों के ज़रिए बयान करना चाहता है। आप अगर लफ्ज़ पढ़ के उस आदमी के ख्याल तक नहीं पहुंच पाए तो या तो आप में कमी है या फिर उस लिखने वाले में कमी है कि जिसने अपनी बात बेहतर तरीके से बयान नहीं की है। ये बात समझ में आ रही है, असल बात ये लफ्ज़ नहीं होते, असल बात इन लफ्ज़ों के पीछे छुपे हुए मायने होते हैं, असल बात उस जुमले के पीछे छुपा हुआ वो ख्याल होता है जो लिखने वाले ने बयान किया है। जब तक आप जुमले के ख्याल के पीछे नहीं भागेंगे, जब तक आप उस आदमी की बात समझ नहीं पाएंगे जिसने वो जुमला लिखा है, ये बात समझ आ रही है आपको। अक्सर हमने देखा है कि स्कूल के बच्चे जो है वो पढ़ने के दौरान किताब से देख के जुमला पढ़ते हैं, उसी को कॉपी में लिख लेते हैं और उसी को इम्तिहान में याद करके जवाब लिख देते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें लिखने वाले ने क्या बात कही है, उसका मकसद और मफहूम क्या है, उसके पीछे नहीं जाते। इसीलिए साल गुजरते चले जाते हैं लेकिन हमारी अकल, हमारा शऊर नहीं बढ़ता। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जो बात लिखने वाले ने कही है क्या हम उस बात तक पहुंच गए हैं। अगर नहीं पहुंचे हैं तो दो बातें, या तो उसमें जो लफ्ज़ उसने लिखे हैं उसका मायने हमें नहीं आते, या फिर लिखने वाले ने जो लफ्ज़ लिखे हैं वो अपने लफ्ज़ को सही तरीके से बयान नहीं कर पाए, या तो उसका मसला है या इसका मसला है। जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनका मसला नहीं है, समझ में आ रही बात आपको। तो जुमले की साख्त पर हम सबसे पहले गौर करते हैं। जुमले की साख्त जो है वो सात तरह की होती है, कि जब आप जुमला पढ़ेंगे ना सात तरह का जुमला होगा। ठीक है, कितनी तरह का होगा, सात तरह का। आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा ताकि मुझे रुकने की जरूरत ना पड़े। मैं यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ा रहा कि मैं कहूँ कि वो सवालिया होगा या वो इनकारिया होगा या वो बयानिया होगा, नहीं, बल्कि मौजू के एतबार से वो जुमला कितनी तरह का होगा, सात तरह का जुमला होगा। नंबर एक, उर्दू में तो उसे कहेंगे आप बयान और सबब, आसान अल्फाज में मैं ऐसे कह रहा हूँ, और मजीद गाड़ी उर्दू में चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं इल्लत व मालूल। और इंग्लिश में इसको आसान समझने के लिए आप लिखें काज एंड इफेक्ट।
ठीक है, यानी जब आप जुमला पढ़ेंगे तो आपको उस जुमले में सात चीज़ें मिलेंगी। सात में से एक चीज़ क्या है? बयान और सबब, यानी उसने कोई बात की है और उसके पीछे उसका सबब बयान किया है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने बयान करूं एक जुमला, अरीब आज सुबह देर से आया इसलिए कि वो रात को देर से सोया था। अभी जो मैंने जुमला बोला है इसमें बयान भी है और बयान का सबब भी है, वजह भी है। ठीक है, अक्सर तालिबे इल्म पढ़ने से इसलिए रह जाते हैं कि वो तालीम का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं करते। अभी मैंने जुमला क्या बोला, अक्सर तालिबे इल्म पढ़ने से इसलिए रह जाते हैं कि वो तालीम का ख़र्चा, इसके अंदर मैंने क्या बयान किया और उसका सबब भी बयान किया है। तो इसको अपनी उर्दू ज़बान में क्या कहा जाता है? इल्लत व मालूल। ये इल्लत वजह है और मालूल बयान है। मुश्किल लगे तो आप इसको याद ना रखें, सिर्फ क्या याद रखें? बयान, उस बयान में वजह। ये इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? काज एंड इफ़ेक्ट। काज का मतलब वजह और इफ़ेक्ट का मतलब बयान। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात जो आपको चीज़ मिलेगी जुमले में, वो वक्त के लिहाज से दर्जा बंदी। उर्दू में कह रहा हूँ ये मैं, वक्त के लिहाज से दर्जा बंदी। क्या मतलब? वो सुबह उठा, उसने ब्रश किया, जूते पॉलिश किए और स्कूल पहुंच गया। अब आप देखिए इस पूरे जुमले के अंदर सुबह उठना, उसके बाद ब्रश करना, उसके बाद, इसमें क्या हुआ है? वक्त के लिहाज से दर्जा बंदी है। जुमला चला इस तरह है कि वो वक्त के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो जुमले के अंदर वक्त के लिहाज से दर्जा बंदी पाई जाती है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तीसरी और अहम बात, दो चीज़ों को मवाजना करना। दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों, दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों का मवाजना जो है वो जुमले से ज़ाहिर हो रहा होगा। ठीक है, कल के मुकाबले में आज सर्दी कम है। मैंने इस जुमले में क्या बोला? सर्दी का दो दिनों से मवाजना किया है, मुकाबला किया है। सही, इस क्लास में कुछ लड़के पढ़ने में बहुत स्लो हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इस जुमले में मैंने क्या बोला है? मैंने कुछ लड़कों का दूसरे लड़कों के साथ मवाजना किया, कंपैरिजन किया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। उर्दू में क्या बोलते हैं? मवाजना। तो आप जब जुमला पढ़ेंगे तो उस जुमले में या तो बयान और सबब होगा, या तो वक्त के लिहाज से दर्जाबंदी होगी, या फिर क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मवाजना होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। अहमियत के एतबार से
बयान मरहलेवार होना। ठीक है, अहमियत के एतबार से बयान मरहलेवार होना क्या मतलब हुआ इसका? यानी जब आप जुमला पढ़ रहे हैं तो उस जुमले में या उससे अगले दो चार जुमलों के अंदर कोई बयान चल रहा है और वो बयान जो अहम बात है वो पहले बयान हो रही है, जो उसके बाद अहम है वो उसके बाद बयान हो रही है। जैसे साइंस में आप पढ़ रहे हैं, जब साइंस को आप टेक्स्ट पढ़ना शुरू करें, निज़ामे हज़म अभी बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग निज़ामे हज़म, तो निज़ामे हज़म में पहले मैदा नहीं होगा, शुरू कहाँ से होगा? मुंह से होगा, बक्कल कैविटी से होगा। तो जब आप जुमले पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो लिखने वाला है ये क्या कर रहा है, जो अहमियत है, अहमियत किस चीज़ की, अहमियत पहले और किसकी अहमियत, उसके एतबार से वो क्या कर रहा है, मरहलेवार बयान कर रहा है बात को। सही है, तो हम बोलेंगे ये जो जुमले हैं, जो एक जुमला है या दो जुमले हैं या चार जुमले हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें दरअसल ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ही पाई जाती है। बयान अहमियत के लिहाज से मरहलेवार बयान होना, ये बात क्लियर हो गई आपको? चौथी बात आपको ये मिलेगी। पांचवी बात मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, पांचवी, छठी और सातवीं बात, मसाइल और उनका हल। ठीक है, यानी जुमले में क्या मिल रहा है, मसाइल और मसाइल का हल। सही है, तो जब आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी कि एक प्रॉब्लम होता है शख्सियत का, वो ये कि हम हर बात किसी दूसरे पर डाल देते हैं। बोला देर से क्यों उठे, बोला लाइट गई हुई थी, स्कूल देर से क्यों आए, और रात को शादी में गए हुए थे। यानी आपने जो मसला है वो किसी दूसरे पे डाल दिया। सही है, जब ये आदत बच्चों की पड़ जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, किसी चीज़ की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, हर चीज़ की जिम्मेदारी किस पर डाल देते हैं, तो उनकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ इसमें क्या बयान कर रहा हूँ, मसला, हल नहीं बयान कर रहा। अभी मैं एक घंटा बोलता रहूँ इस पर, मिसालें देता रहूँ, जैसे मैंने मिसालें दी थी इससे पहले कि भाई वो देर से क्यों आए, बोला मौसम का मसला था, बोला आप जो है वो काम क्यों नहीं किया आपने, बोला लाइट चली गई थी, कापी नहीं मिल रही थी, कापी क्यों नहीं मिल रही थी, अम्मी हमारी पता नहीं कहाँ रख देती हैं। हर मामले में आपके पास जवाब क्या है, किसी दूसरे पर आप जिम्मेदारी डाल दे रहे हैं। तो जब आप ये वाली आदत इख्तियार हो जाती है किसी दूसरे पे ज़िम्मेदारी डालने, किसी दूसरे पे ज़िम्मेदारी डालने, तो आपकी शख्सियत में क्या आना शुरू हो जाता है, बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। ये मैं सारी चीज़ क्या बयान कर रहा हूँ, मसाइल, हल बयान कर रहा हूँ नहीं। ठीक है, तो आपका जो पैराग्राफ है, आपकी जो तकरीर है, आपका जो बयान है, वो मसाइल पर मबनी हो सकता है और उनके हल पर मबनी हो सकता है। अब मैं बोलूँ इसका हल ये है कि आप हर चीज़ के ज़िम्मेदार अपने आप को ठहराएं, हर मसले के बारे में कहें ये मेरी वजह से हुआ, कोई ज़िम्मेदार नहीं है इसका, ना अम्मी, ना अब्बा, ना मौसम, ना हालात, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं सुस्त हूँ, मैं काहिल हूँ, मेरी शख्सियत ख़राब है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये मैं क्या बयान कर रहा हूँ, अब मैं हल बयान कर रहा हूँ। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो टेक्स्ट, बाज़ टेक्स्ट जो है मसाइल और उनके हल पर मबनी होते हैं, यानी पढ़ने के दौरान आपको ये पता चलता है ये मसाइल बयान हो रहे हैं और अब इसका आगे क्या निकलेगा, शायद इसी पैराग्राफ में हल हो, या हो सकता है किसी आखिरी पैराग्राफ में जाके हल हो। ठीक है, तो जुमले की साख्त में आपको मसाइल भी मिलेंगे और मसाइल का हल भी मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? पाँचवीं बात,
छठी बात है सीक्वेंस, प्रोसेस। क्या बोलेंगे उर्दू में प्रोसेस को? तरीका कार। ठीक है, तरीका कार। तरीका कार का क्या मतलब होता है? इसमें के मराहिल भी लिख सकते हैं आप। तरीके कार के मराहिल का क्या मतलब है? मैं फ़र्ज कीजिए आपको, आप ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जिसमें चाय बनाना सिखाया गया है। क्या सिखाया गया? तो उसमें आपको बोलेंगे सबसे पहले आप ये कीजिए, एक केतली लीजिए नंबर एक पे, सबसे पहले एक केतली लीजिए, उसे अंदर अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, फिर नंबर दो उसमें पानी डाल के चूल्हे पे। ये क्या हो रहा है? तरीक़ेकार हैं और उनके मराहिल बयान हो रहे हैं, इसको कहते हैं सीक्वेंस। तो बाज़ तहरीरें आपको ऐसे मिलेंगी, जैसे रेसिपी जितनी भी हैं, जब भी आप किसी किताब में रेसिपी पढ़ोगे उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा, पहले अज्जा बयान होंगे कि भाई पहले गोभी ले लें, टमाटर ले लें, थोड़ी एक चुटकी नमक ले लें, चार काली मिर्ची ले लें, पहले अज्जा बयान होगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? नंबर एक, सबसे पहले इन सारे मसालों को ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, नंबर दो एक देगची लीजिए उसको चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, नंबर तीन थोड़ा सा ऑयल लीजिए। ये सब क्या है? ये जो तहरीर आप पढ़ रहे हैं, इस तहरीर में दरअसल क्या है? तरीक़ेकार और उसके मराहिल जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात आपको? सातवीं बात, इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं तसलसल का बयान। तसलसल का बयान का मतलब क्या होता है? कि आप अपनी बात मुसलसल बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है, और जो आप नॉलेज दे रहे हैं, मालूमात जो दे रहे हैं, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खुलती जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शेर ने कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अभी जुमला पूरा हो गया। शेर ने कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? इस जुमले के अंदर शेर तो वाजे हो गया आपको, तुम वाजे नहीं हो रहा, ठीक है। चूहे ने जवाब दिया, अब क्या वाजे हो गया जुमले से? तुम, जो तुम था वो वाजे हुआ, ठीक है। कि मैं अपने बच्चों की गिज़ा की तलाश में निकला था, मजीद क्या चली गई? बच्चे भी आ गए। अब शेर, चूहा, बच्चे, मैं बच्चों की गिज़ा की तलाश में निकला था। इस जुमले से एक बात और सामने आई, बच्चे भूखे हैं। आप क्या कर रहे हैं? तसलसल के साथ अपने बयान को खोल रहे हैं। हम बोलेंगे इस तहरीर में तसलसल का बयान है। इंफॉर्मेशन जो है या जो मालूमात हमें मिल रही हैं वो मुसलसल मिल रही हैं, मुसलसल खुल रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारे सामने आ रही हैं। हम एक जुमला पढ़ते हैं उसमें एक बात आती है, एक बात नहीं आती, लेकिन अगला जुमला पढ़ते हैं तो उसमें वो वाली बात आ जाती है, लेकिन एक बात और नहीं पैदा हो जाती है। सही है, मेरे बच्चों में से एक बच्चा माजूर है, वो क्योंकि चल नहीं सकता, उसकी देखभाल के लिए मेरी बेगम हर वक्त उसके साथ रहती है। कैसे खुल रही है कहानी? मैं कहानी का अगला हिस्सा बोला मैंने आपको, ठीक है। शुरू का जो जुमला पढ़ा था वो क्या था? शेर ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आए, पहला जुमला यही था सिर्फ, ठीक है। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट के अंदर सातवीं बात क्या पाई जाती है? तसलसल का बयान, यानी इंफॉर्मेशन आपको मुसलसल जो है वो
मिलती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुसन्निफ़ आपको पूरी बात पहले नहीं बताता, वो आपको आधी बात बताता है और आधी बात छोड़ देता है, अच्छा फिर कहीं और से शुरू कर देता है। सही है, अभी जैसे यही बात करते करते मैं यहाँ से छोड़ के पैराग्राफ बदलूँ और पैराग्राफ बदल के क्या कहूँ, चूहे के घर पहुँच जाऊँ, वहाँ से शुरू करूँ अब बात। आज सुबह जब चूहा जिसका नाम मोटो था उठा, तो उसकी बेगम ने उठते के साथ ही शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये कि बात कहाँ चल रही थी, चूहे और शेर की बात चल रही थी, अभी बात पूरी नहीं हुई। आपके जहन में मौजूद है सवाल कि क्या बात हुई होगी आगे, ठीक है, लेकिन मुसन्निफ ने क्या करा, पैराग्राफ बदला, और पैराग्राफ बदल के कहाँ आ गया, आज सुबह के वाक्य पर आ गया, ठीक है। तो अब आपको वो कहानी भी खोल रहा है, आपके साथ तजस्सुस भी रख रहा है कि आप जुड़े हुए हो, अबे भाई क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, ठीक है। तो वो दरअसल, और वो क्या करेगा, अगले बयान को अगले किसी पैराग्राफ में खोलेगा। तो हम बोलेंगे कि इस तहरीर में क्या चीज़ मौजूद है, इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, लेकिन फौरी फौरी नहीं मिल रही, बल्कि किससे मिल रही हैं, तसलसल से मिल रही हैं, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर, यानी एक आदमी जब आपको तहरीर के ज़रिए मालूमात देना चाहता है तो वो ऐसा नहीं करता कि सबसे पहले आपको सारी बात बता दे, नहीं, वो तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आपको एक एक दो दो चीज़ें बताता चला जाता है और कहानी को बुनना शुरू कर देता है। ये बात आपके समझ में आ गई। इन सब को हम क्या कह रहे हैं, ये पहली बात हमने पढ़ी है अभी, जुमले की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस या टेक्स्ट स्ट्रक्चर। नंबर एक, क्या क्या पाया जाएगा जुमले में, बयान और सबब, इल्लत तो मालूल होगी, कोई बयान होगा उसकी वजह बयान होगी। नंबर दो, वक्त के लिहाज से दर्जा बंदी, यानी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ने के दौरान ही एहसास हो रहा होगा कि ये जो बात है इसमें वक्त भी कहीं छुपा हुआ है। सही है, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं घर से निकला और निकल के जब स्कूल पहुँचा और स्कूल आके मैंने देखा कि मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद नहीं है, तो मैंने ये फैसला किया कि अब रिकॉर्डिंग मोबाइल के बजाय कैमरे से करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने कैमरे की डिवाइसेस ढूंढी तो पता चला कि उसमें डिवाइस मौजूद नहीं थी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसके अंदर आप देखिए जो मैं बात कह रहा हूँ, इस बात में कहीं मैंने वक्त नहीं बोला, बोला नहीं है मैंने कि मैं सुबह उठा था, मैं 8 बजे आया था, मैं 8:30 बजे से। लेकिन जब आप जुमले को पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें बात वक्त कहीं इसमें छुपा हुआ है, समझ में आई, वक्त के लिहाज से दर्जा बंदी। तीसरी बात, दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों का मवाज़ना, ये आपको जुमले में मिलेगा। अहमियत के एतबार से बयान मरहले वार होना, सही है, जिनकी अहमियत पहले है उन्हें पहले बयान किया जाएगा, जिनकी अहमियत बाद में उसे बाद में बयान किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से मुसन्निफ क्या करता है, अपनी बात में जो अहम बातें होती हैं उन्हें मरहले वार बयान कर रहा होता है। पांचवी चीज़ क्या है, मसाइल और उनका हल। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उस टेक्स्ट में ये होगा कि या तो मसाइल बयान हो रहे होंगे या मसाइल का हल बयान हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही जुमले में दोनों चीज़ें हों, बाज़ औक़ात एक पैराग्राफ में मसाइल होता है, दूसरे पैराग्राफ में उसका हल होता है। छठी चीज़ क्या है, तरीक़ेकार के मराहिल। तरीक़ेकार के मराहिल का मतलब रेसिपी, स्टेप्स, पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, ठीक है। इस तरह की भी तहरीरें आपको मिलती हैं। और सातवीं चीज़, तसलसल का बयान, यानी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही हैं वो एक के बाद एक मिल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तहरीर में रहते हुए आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि जो बात अभी मैंने पढ़ी है इसमें, इसमें लफ्ज़ तुम जो है कौन है, नहीं पता चला। फिर आगे बढ़े तो पता चला इसमें ये जो लफ्ज़ है इस, ये कौन है, बोला मुसन्निफ़ ने अभी आपको इसके बारे में नहीं बताया, शायद आगे कहीं जाके इसको वो खोलेगा इस बात को। तो इसे हम कहते हैं तसलसल का बयान। ये सात चीज़ें आपके टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होती हैं। आप जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये सात बातें आपको
मिलती हैं। अब मेरा ख्याल है कि आज की क्लास के बाद जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, उर्दू का पढ़ें, इस्लामियात का पढ़ें, साइंस का पढ़ें, इंग्लिश का पढ़ें, तो आप उस टेक्स्ट को पढ़ने के दौरान ज़रा तलाश कीजिए ख़ुद से कि पहली बात कहाँ है, दूसरी बात कहाँ है, तीसरी कहाँ है, चौथी कहाँ है, पाँचवीं कहाँ है, छठी कहाँ है, सातवीं कहाँ है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक तहरीर में ये सातों बातें हों। बास तहरीर मिसाल के तौर पर अंडा उबालने का तरीका, एक तहरीर पढ़ रहे हैं आप, उसमें हर चीज़ नहीं होगी, काज एंड इफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा उसमें, बयान और सबब हो भी सकता है, हो ये सकता है कि अगर आपने अंडे को ज़्यादा देर उबाल लिया तो फिर उसका छिलका उतारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो बयान उसने किया इसमें क्या आ गया सबब, कि अगर आपने ऐसा किया तो उसका नतीजा ये निकल जाएगा। अब देखिए जो रेसिपी लिखी है वो बुनियादी तौर पर रेसिपी क्या है, तरीक़ेकार के मराहिल हैं, लेकिन उसी तरीक़ेकार के मराहिल में लिखने वाले ने क्या करा है, बयान और सबब भी शामिल कर दिया है, वक्त के लिहाज से दर्जा बंदी भी हो सकती है इसके अंदर, कि आप जब पानी को उबालना शुरू करें तो 5 मिनट तक पानी को उबालिए, उसके बाद उसमें अंडा डालिए। तो आप उसने क्या करा, पानी को उबालने का टाइम अलग कर दिया और अंडे को डालने का टाइम, समझ रहे हैं आप, तो उसके अंदर उसने वक्त के लिहाज से क्या कर दी, दर्जा बंदी कर दी। तो ये बात जब आप पढ़ते हैं कोई तहरीर तो आप उस तहरीर के अंदर ये सब बातें तलाश कर सकते हैं, और अगर आप तलाश करें तो उस तहरीर से बहुत ज़्यादा नॉलेज आप हासिल कर पाते हैं। और अगर आप तलाश नहीं करें, सीधा सीधा पढ़ जाएं ऊपर से टक 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 टक, और आपको पता नहीं चले क्या बोलना चाह रहा था मुसन्निफ, को क्या चाह रहा है वो, ठीक है, तो आपको उस तहरीर के अंदर ना लुत्फ़ आएगा, ना उसके माफ़ियुल ज़मीर तक आप या उसके कॉन्सेप्ट तक आप पहुंच पाएंगे। बस आपका तरीक़ेकार ये होगा कि पढ़ लो, लिख लो, सवाल जवाब कर लो, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये हमने एक चीज़ आज पढ़ाई है, ऐसी कितनी चीज़ें आपको पढ़ानी है, हमें 9 चीज़ें पढ़ानी है, ठीक है। ख़त्म हो गया पीरियड, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कल की क्लास वक्त पे शुरू हो और ज़्यादा लंबी और टाइम की क्लास लग जाए।